नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजेपी चार्जशीट को लेकर सीएम जयराम ठाकुर बोले, अभी तथ्यों का लगाया जा रहा पता, किसी के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय नहीं। हिमाचल में सभी जिलों के लोग अब ऑनलाइन बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ई परिवहन व्यवस्था शुरू। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कल से, आज हुई सर्वदलीय बैठक। मुकेश बोले, महंगाई जैसे मुद्दों को सत्र में उठाएगा विपक्ष, सिंघा की भी दो टुक। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले पूर्व सीएम धूमल, माहौल बन रहा है, अभी चुनाव दूर है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने नेत्र रोग अधिकारी एलोपैथी का परिणाम किया घोषित। शिमला में बिजली और शराब होगी महंगी, नगर निगम ने सेस में की बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल बीजेपी चार्जशीट का मुद्दा एक बार फिर राजनीति गलियारों में गूंजने लगा है। हिमाचल में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच की तैयारी है। इसमें दो पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक शामिल है, जिसका कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी विरोध जताया है। वहीं जब सीएम जयराम ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी चार्जशीट के मामलों में अभी छंटनी चली है, अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तथ्यों का पता लगाया जा रहा है, जांच हो रही है, इसमें जो निकल कर आएगा उसके अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा। अब हिमाचल के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, पॉजिंग परमिट और आरसी आदि के लिए आरटीओ और एसडीएम ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिमला और कांगड़ा जिला के बाद अब बाकी जिलों में भी ई परिवहन व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके लिए आरटीओ कार्यालय मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। अभी तक जुलाई माह से ये सेवाएं दो जिलों कांगड़ा और शिमला में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी। अब अन्य 10 जिलों में भी इन सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ई विधान करने वाला पहला राज्य बना, अब ई परिवहन व्यवस्था शुरू करके लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, सीपीआईएम से राकेश सिंघा व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने का आह्वान किया। विधानसभा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोक उद्गार होगा। 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। सीएम 6 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। सत्र में कुल 880 सवाल गूंजेंगे। कोरोना के बीच हो रहे बजट सत्र में नियमों का ध्यान रखा जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECG की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल विधानसभा 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को लेकर बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा के सत्र करवाने से भागती रही है। 3 साल से सरकार सत्र की बैठकें तक पूरी नहीं कर पाई है।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की बीजेपी सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और झूठी घोषणाओं में माहिर है, जबकि घोषणाओं का कार्यान्वयन करवाने में फेल है। इस समय जयराम सरकार कर्ज की बैसाखियों के सहारे चली हुई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन और सरकार के झूठ के मुद्दों आदि को सदन में उठाएगा। उधर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल कोरोना की मार से टूट चुका है, हिमाचल के किसान व बागवान परेशान हैं, महंगाई चरम पर है। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल अगले साल हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कई सारी अटकलें हैं। इस बीच अब खुद चुनाव लड़ने ना लड़ने के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी बयान दिया है। हमीरपुर जिला के एक कार्यक्रम में प्रेम कुमार धूमल शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पत्रकारों ने जब प्रेम कुमार धूमल से हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हवा बन रही है, अभी चुनाव दूर है। लोग कह रहे हैं लोगों की जो इच्छा होती है वो व्यक्त करते हैं, इस बारे में निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। हालांकि प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों के सवाल को घुमाते हुए हाईकमान पर टाल दिया, लेकिन उनके इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा 2019-2 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सिविल जज के पदों के लिए 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सफल अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी राकेश वर्मा ने की है। वहीं हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने नेत्र रोग अधिकारी एलोपैथी पोस्ट कोड 804 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 6 सफल रहे हैं। ये 4 पद हेल्थ सर्विसेज में भरे जा रहे हैं। ये पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 8 अभ्यर्थी ही बैठे थे। 8 में से 6 सफल घोषित किए गए हैं। नगर निगम शिमला ने आज अपना वार्षिक बजट 2021-22 पेश किया। मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ये 222.41 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 करोड़ रुपए कम रहा। सत्या कौंडल ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। वहीं बिजली की प्रति यूनिट पर निगम ने सेस 10 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दिया है। इससे निगम को 1.75 लाख की अतिरिक्त आय होगी। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब और बोझ पड़ेगा। वहीं शिमला में एंट्री पर ग्रीन टैक्स की योजना को भी फिर से बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और अमृत कार्यों को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।